छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के 14 से ज्यादा छात्रों को MBBS की सीटों का आवंटन होने के बाद बवाल शुरू हो गया है। इसे खत्म करने के लिए DME दफ्तर ने इसका एक हल भी निकाल लिया है। MBBS के स्थानीय छात्रों को ज्यादा मौका देने के लिए दाखिले में नियमों की तब्दीली की गई है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए MBBS के छात्रों को अब शपथ पत्र भरना होगा। शपथ पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज गलत पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि छत्तीसगढ़ के बच्चे को नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ का सीट, तो ये उनके लिए अन्याय हो रहा है। जैसे कि ऐसा तो कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक बच्चा दो डोमिसाइल ले सके या तीन डोमिसाइल ले सके। तो ऐसा जैसे कि सभी बच्चों का नीट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें तो सब डोमिसाइल अपना भरे हैं, तो वो एक्चुअल डोमिसाइल भरे होंगे, और अगर वहाँ गलत कर रहे हैं और अगर ये काउंसलिंग में दूसरा डोमिसाइल भर रहे हैं, मतलब तो गलती तो वही है। अगर कुछ ऐसा हो गया, सपोज़ मैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में नाम को गलत भर दिया लेकिन मैं काउंसलिंग के टाइम प्रूफ कर रहा हूँ कि नाम मैं डॉक्यूमेंट में दूसरा नाम लिखा हूँ, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं नीट में फॉर्म भरा हूँ वही एक्चुअल माना जाएगा, क्योंकि NTA के अकॉर्डिंग वही होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे NTA में जो डोमिसाइल भरे हैं उसको सही किया जाए, उसी को मान्य किया जाए, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट बहुत बन रहे हैं और जो माइग्रेंट्स हैं वो भी हमारा सीट ले रहे हैं। देखिए, गैर छत्तीसगढ़ियों द्वारा मेडिकल प्रोफेशन की सीटें हथियाने का मामला बहुत पुराना है। पिछली सरकार की लापरवाही से बनाए हुए नियम हैं। इस बारे में पहले भी शिकायतें हुई लेकिन इस बार पालकों ने मोर्चा संभाला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आग्रह किया गया था कि उनका साथ दें। उनकी शिकायतें प्रथम दृष्टि में सही पाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कागजों को देखा है और इस बात को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छत्तीसगढ़ी छात्रों का हित हर हाल में संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कल संचालक चिकित्सा शिक्षा से हमारी बैठक हुई है, हमने एक गाइडलाइन तैयार की है जिसमें यह हमारी मंशा है कि नीट का जो कन्फर्मेशन फॉर्म है जिसमें स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भरा जाता है वह सभी छात्रों से स्वयं सत्यापित करके लिया जाए, उनके एफिडेविट लिया जाए कि वो मूल निवासी प्रमाण पत्र सत्य है, संदिग्ध पाए जाने पर संबंधित जिला अधिकारियों को उसके सत्यापन की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी करने के लिए आग्रह किया जाएगा, और इस प्रकार की प्रणाली विकसित की जाएगी कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सके, और आने वाले दिनों में मूल निवासी प्रमाण पत्रों में के सत्यापन की प्रक्रिया और उनको बनाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की यदि परिवर्तन करने की सूची जरूरत हो तो वह भी किया जाए। इस बीच प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है उस बारे में भी बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है ताकि छत्तीसगढ़ के मैनेजमेंट कोटे की सीटें बाहरी छात्रों को किसी भी हालत में अलॉट न की जा सकें।